हल्की हल्की कदमों के साथ यहाँ पे शुभारंभ करते हुए, तो निश्चित रूप से शुभारंभ तो बहुत ही भव्य हुआ। यहाँ से बाकी की सारी जिम्मेदारी जो यहाँ पे ट्रैक पे दौड़ के अपने भविष्य को समझे, जोरदार तालियां, रंग भरे गुब्बारे आसमान की ओर। आइए यहाँ यहाँ चीजें बहुत मुश्किल से बनती है, इसका रख रखाव का जिम्मेदारी सभी उपयोगकर्ता के ऊपर होना चाहिए। इस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ उपस्थित है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विभाग के मंत्री आदरणीय डॉक्टर जोश मराठी, जिन्होंने बहुत बड़ा फाइनेंशियल हेल्प किया, जिसके कारण यह ग्राउंड और यह सीधे ट्रैक हम लोग मिल पाया। अपने चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी जो यहाँ के विधायक भी हैं और अपने मुख्य भी हैं, उनको भी धन्यवाद, उन्होंने विशेष समय लेकर के निकाल के यहाँ पहुँचे हैं। अपने विभाग के सचिव जी रायपुर साहब, साई सेंटर के हमारे हेड और श्री मनोज कुंडू जी, और दोनों मंत्री गणों का आप लोगों ने बात सुना है, लक्ष्य सिर्फ यही है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना है वो सब मालूम है। प्रैक्टिस के लिए और प्रैक्टिस के लिए ये तोड़ प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस फिर प्रैक्टिस और अभ्यास से गणमत हो सुना रसगी आवाजे शिल्पी पड़ेगी साथ। बहुत बड़ी आवाज आप लोगों ने बचपन से सुनी है, रस्सी से भी पत्थर में धागा जाते हैं जब आप अभ्यास करते हो, तो अभ्यास को आप निरंतर सही दिशा में सही गुरु के साथ और सही लगन के साथ यदि करेंगे तो कोई भी चीज आज ऐसा नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते हैं, हम जरूर प्राप्त कर सकते हैं। और खेल के क्षेत्र में जितनी तेजी के साथ आज भारत आगे बढ़ रहा है और उसी की तुलना में झारखंड आगे बढ़ रहा है, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट हम देखते हैं। हॉकी में तो हमारे बच्चे लगातार दूसरे साल जूनियर हॉकी SDFI जीते हैं, अभी कबड्डी में SDFI कहाँ से पता चलो जीते हैं, ऐसे सारे खेलों में लोग अच्छा कर रहे हैं। एथलेटिक्स में अभी भी हमारी उड़ान बाकी है और अभी हमारे एक बच्चे ने अच्छा किया है एथलेटिक्स में, अभी एथलेटिक्स में उड़ान बाकी है और सिंथेटिक ट्रैक आपको उस उड़ान को भरने में एक लॉन्चिंग पैड जैसा सहायक साबित।